आज ना मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मेरे सामने आओ। आज ना अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो मेरे सामने आओ। मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं कहाँ चली गई वो। हाँ यार, और हम सब में से पढ़ाई के मामले में तो सबसे ज्यादा सीरियस है वही है, और उसने अपना एग्जाम मिस कर दिया। ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। एग्जैक्टली, वही तो। नेहा जैसी लड़की एग्जाम देने ना आए, मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है। जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। अरे कोई गड़बड़ वड़बड़ नहीं है नेहा, ना हमें सिर्फ परेशान करने के लिए ये सब कर रही है और कुछ नहीं। नहीं सोनल, सिर्फ हमें परेशान करने के लिए वो अपना एग्जाम मिस नहीं कर सकती। मुझे तो लग रहा है वो आशना वाली पास। खबरदार, अगर इस बारे में हमने किसी से भी जिक्र किया तो हम सब फंस जाएंगे। गर्ल्स। यस मैम। नेहा कहाँ है? एग्जाम देने नहीं आया जो? नहीं मैम, हम लोग भी सुबह से उसे ही ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहीं नहीं दिख रही है मैम। दिखी नहीं मतलब? तुम्हारे साथ रूम में नहीं थी क्या? नहीं मैम। अरे तो फोन लगाओ ना उसे। मैम फोन ट्राई किया था पर नेहा का फोन बंद आ रहा है। फोन बंद आ रहा है? यस मैम। रूम में भी नहीं है? समथिंग सीरियस। गर्ल्स सिक्योरिटी को पूछते हैं, लेट्स गो। यस मैम। सिक्योरिटी। यस मैडम। नेहा बाहर गई है क्या? नेहा बीएससी फाइनल ईयर की स्टूडेंट नेहा कुमार। अच्छा, वो जो सुबह जॉगिंग पे जाती है? हाँ भैया वही। वो तो बाहर नहीं गई। नहीं गई? कहाँ जा सकती है? सुबह सुबह जॉगिंग के लिए जाती है। मैम कहीं वही तो उसे कुछ नहीं हो गया? मैम कहाँ जाती है जॉगिंग करने? नेहा नहीं नेहा। मैडम क्या हुआ? मैं आई हूं मैडम। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या खून? खून। मैम ये तो नेहा का ब्रेसलेट है। मैम नेहा को कहीं कुछ होता नहीं क्या? लोगों ने नेहा को आखिरी बार कब देखा? आखिरी बार कब देखा था? सर कल रात 2:30 बजे। रात के 2:30 बजे? एक्चुअली सर हुआ ये था कि पढ़ते पढ़ते हम लोग बोर हो गए थे, इसलिए ट्रूथ एंड डेयर का गेम खेलने लगे। बता प्रत्याडे श्योर। ए प्लीज प्लीज।
पूजा से पहला क्वेश्चन मैं पूछूं? ओके तू पूछ ले। पूजा, अपनी लाइफ का कोई ऐसा सीक्रेट बता जो आज तक तूने किसी को नहीं बताया। पर ऐसा कोई सीक्रेट है ही नहीं। ओए चुप कर, सबका कोई सीक्रेट होता है। अच्छा तेरा भी होगा, चल बता जल्दी से। ओके देन, एक्चुअली जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी ना, तो मैं बोर्ड के एग्जाम्स में मैथ्स में फेल हो गई थी। पर हाँ, मुझे डम मत समझना, सप्लीमेंट्री में क्लियर कर दिया था। नॉट बैड, नॉट बैड। ओके चलो अब नेक्स्ट। चल बता, ट्रुथ या डेयर? डेयर। क्या बात है, डेयर क्यों? सच बोलने की हिम्मत नहीं है? हेलो, मेरी हिम्मत को चैलेंज मत करना। चलो जल्दी से डेयर बताओ। ओके, तो अगर ऐसी बात है तो जा कैरम रूम के बाथरूम में और वहां पर जाके 3 बार आशना का नाम ले। तू पागल हो गई है क्या सोनल? प्लीज नेहा ये डेयर नहीं करे। क्यों नहीं कर सकती? अब इसने तो कहा है कि इसे किसी से डर नहीं लगता। ये क्या बोल रही है सोनल? आत्माओं को खेल? आत्माओं से पंगा नहीं लेना चाहिए, कुछ ज्यादा ही सीरियस हो जाएगा। तो ठीक है, एक ही शर्त पे मैं अपनी डेयर कैंसिल करती हूँ। तू ये मान ले कि तुझे आत्माओं से डर लगता है। नेहा को किसी से भी डर नहीं लगता। रियली? तो ठीक है, तो जा बाथरूम में और 3 बार आशना का नाम ले ले। ओके, ठीक है। आप लोग अब स्कूल में नहीं है, बड़ी हो गई है। ऐसा मजाक करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए था। We are very sorry, sir. अगर हमें बता होता कि हमारे इस मजाक से ये नतीजा निकलेगा, तो हम नेहा को वहाँ पर कभी नहीं भेजते। आशना का नाम 3 बार लेने से क्या होता है? आज से कई साल पहले इस कॉलेज में आशना नाम की एक लड़की पढ़ती थी, जिसने सीनियर्स की रैगिंग से परेशान होकर खुदकुशी कर ली, उसी बाथरूम में लटक कर जहाँ नेहा गई थी। और तब से ये माना जाता है कि उस बाथरूम में कोई भी जाकर 3 बार आशना का नाम ले तो उसकी आत्मा वहाँ आ जाती है। देखो, आत्मा आत्मा जैसा कुछ नहीं होता। नेहा को किसी इंसान ने गायब किया। आप लोग अपनी क्लासेस में जाइए, हम देखते हैं मामला क्या है। सर, अनिकेत, चलिए देखिए सर। तो देखिए, यहाँ पे भी तीन है और यहाँ पे भी है सर। ये रास्ता तो जंगल की तरफ जाता है। हाँ सर, चलो चलते हैं। इंसान का इतना सारा खून बहा होगा, बचा तो नहीं होगा। सो तो है निखिल, हो सकता है खून जरा सा ही बहा हो और बारिश के कारण फैल गया हो। सर, तो ये क्या है? नेहा को मार के चला तो नहीं दिया गया? लेकिन सर, इस राख से हमें ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ नेहा को ही जला गया है, किसी और को नहीं? शायद एक काम करो, ताकि नेहा के रूम की तलाश है, देखो वहाँ उसकी मेडिकल रिपोर्ट, बाल के टुकड़े या कुछ और मिलता है। इस खून को उससे मैच करके देखते हैं, पता चल जाएगा ये नेहा ही थी या कोई और। तब तक हम सारे सबूत फोरेंसिक्स में भेजते हैं।
ये नेहा का ब्रश है। ये डायरी भी नेहा की है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एकदम वक्त पर आए हो तुम लोग। क्यों सर, क्या हुआ? दरअसल वो जंगल में से और कॉलेज में से जो खून मिला था वो खून नेहा का ही, नेहा के बाल का डीएनए और खून का डीएनए मैच होता है। मतलब सर नेहा को ही मार के जलाया गया? नहीं फ्रेंड, नेहा को जलाया गया है या किसी और को ये तो नहीं पता। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है सचिन कि वहां से जो राख हमें मिली है, इस राख में से हमें ये किसी लड़की की कान की बाली मिली है और हड्डी के कुछ जले हुए टुकड़े मिले, लेकिन ये हड्डियां जल करके एकदम कोयला हो गई है, इसलिए इनसे डीएनए निकालना बहुत मुश्किल है। इसलिए कहना बहुत मुश्किल है कि वहां पर किसे जला करके मारा गया था। खून नेहा का है, एक कान की बाली किसी लड़की की है और नेहा गायब भी है। तो हो सकता है सर जंगल में जिसे जलाया गया हो वो नेहा ही है। सर कॉलेज के पीछे जो जंगल है जहाँ नेहा को जलाया गया, वहाँ पर एक रास्ता है जो सीधा हाईवे को जाकर मिलता है और ज्यादातर लोगों को उस रास्ते के बारे में कुछ पता ही नहीं। मतलब ये काम कॉलेज के अंदर के ही किसी आदमी का है जिसने नेहा का खून किया और फिर वहां से निकल गया। कॉलेज के अंदर का मतलब सर कोई स्टूडेंट? स्टूडेंट हो सकता है, कॉलेज के स्टाफ का कोई आदमी हो सकता है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि नेहा के साथ इतना सब कुछ हुआ तो किसी ने देखा कैसे नहीं, सुना कैसे नहीं। पूर्वी, नेहा की डायरी से कुछ पता चला? हाँ सर, सर नेहा ने इस डायरी में एक खास बात लिखी कि वो रोज सुबह जॉगिंग के वक्त चोरी छुपे एक लड़के से मिलती थी, शायद उसका बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड? सर कहीं ये खून प्यार के चक्कर में तो नहीं हुआ? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या नाम क्या है उसके बॉयफ्रेंड का? सर नाम तो नहीं लिखा है, नाम की जगह पी अक्षर लिखा हुआ है। पी मतलब उसका नाम पी से शुरू होता है। लेकिन सर पूछताछ के वक्त नेहा की सहेलियों ने नेहा कैसे किसी बॉयफ्रेंड के बारे में बताया नहीं? हो सकता है नेहा ने ये बात अपनी सहेलियों से छुपाई हो, तभी तो उससे चोरी छुपी मिलती थी। डायरी में भी उसका नाम नहीं लिखा है, सिर्फ पी लिखा हुआ है। सर उसने ये भी लिखा है कि वो उसे घंटों बास्केटबॉल खेलते हुए देखती थी। बास्केटबॉल? तो नेहा का ये पी नाम का प्रेमी कॉलेज की बास्केटबॉल टीम का कोई खिलाड़ी होगा। कॉलेज बास्केटबॉल टीम के सभी खिलाड़ी आ गए? यस सर। सर पर हम लोग को यहाँ क्यों बुलाया? प्रैक्टिस करने के लिए। तो सर कोर्ट में चलिए, यहाँ पासिंग प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? पासिंग प्रैक्टिस नहीं बच्चे, कैचिंग प्रैक्टिस। आज हम तुम्हें सिखाएंगे कि एक मुजरिम को कैसे कैच करते हैं। नेहा का खून क्या हमारी टीम में? हाँ, तुम लोगों में से ही कोई है जो नेहा का बॉयफ्रेंड भी था और खूनी भी। जो भी है अपने आप सामने आ जाए और अपना गुनाह कबूल कर ले, वरना अगर हम उसे बाहर निकालेंगे तो हमसे किसी भी किस्म की रहम की उम्मीद मत करना। पूनिया ऐसे सामने नहीं आएगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। सर मैं अपने नाम बताओ। तुम? फिरोज। कार्की। किशोर। आकाश। निमेश। मुकेश। प्रतीक। प्रतीक मारा जा। आगे गौरव। प्रशांत। प्रशांत तुम आ जाओ। तुम? रोहित। प्रशांत। प्रतीक तुम दोनों में से नेहा की दोस्ती किसके साथ? नहीं सर, मेरी नेहा के साथ कोई दोस्ती नहीं थी। तुम्हारी? मैं भी नहीं। तुम में से किसी ने प्रशांत या प्रतीक को कभी नेहा के साथ देखा था? लगता है इनकी टीम में एकता बहुत है, ये बताएंगे नहीं कि नेहा का बॉयफ्रेंड कौन है, बचा रहे हैं उसे।
नहीं बचा पाएंगे। सर अब ये कैसे पता चलेगा कि झूठ कौन बोल रहा है, प्रतीक या प्रशांत? उसका इलाज भी है मेरे पास। ये नेहा की पर्सनल डायरी है, इसमें उस पी अक्षर वाले का नाम लिखा हुआ। तो पकड़ लेते हैं, वक्त नहीं गंवाते हैं। वक्त नहीं गंवा रहे हैं, बस मौका दे रहे हैं ताकि वो आदमी खुद हमारे सामने आ जाए। वरना मना किया था मैंने नेहा को कि मेरा नाम डायरी में मत लिखना, पर उसने मुझे धोखा दिया। इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। नेहा ने अपनी पर्सनल डायरी में किसी का नाम नहीं लिखा, तुम खुद अपने झूठ के दलदल में फंस गए। नहीं सर, मैंने खून नहीं किया ऐसा नेहा था, मैं सच कह रहा हूँ सर, मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने खून नहीं किया ऐसा। तुमने नेहा को मारा या नहीं ये तो ब्यूरो में पता चलेगा। ये सच है कि मैं नेहा से प्यार करता था और यही मेरी बेगुनाही का सबूत है, और जब मैं उसको इतना प्यार करता था तो मैं भला उसका खून क्यों करूंगा सर? ये प्यार के गाने गाने बंद करो, समझे? इतना ही प्यार करते थे नेहा से तो इस रिश्ते को सबके सामने स्वीकारा क्यों नहीं, क्यों छुपा के रखा? देखो अब ये मगरमच्छ के आंसू बहाने से तुम बचोगे नहीं। नेहा की डायरी में साफ साफ लिखा है कि वो रोज सुबह जॉगिंग के वक्त तुमसे मिलने आती थी। और उसी जगह नेहा का खून हुआ जहाँ वो तुमसे मिलने जाती थी। सर उस दिन तो हम लोग वहाँ मिलने वाले ही नहीं थे, एग्जाम का दिन था और हम लोगों ने प्लान किया था कि एग्जाम खत्म होने के बाद कॉलेज के बाहर कहीं मिलेंगे। तुम दोनों के अलावा कोई और जानता था कि नेहा जॉगिंग करने वहां पे जाती है? नहीं, नहीं सर। कोई और उसे कैसे मार सकता है तुम्हारे अलावा? सर हो सकता है कि नेहा का पीछा करते करते कोई वहां पहुंच गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कोई पीछा करते हुए वहां पहुंच गया है? अभी अभी तुमने कहा कि नेहा वहां आने वाली नहीं थी, तुम लोग कहीं और मिलने वाले थे, क्यों? सर मैं पहली बार सीआईडी ब्यूरो में आया हूँ, इस वजह से डर गया, लेकिन मेरा यकीन कीजिए मैंने नेहा का खून नहीं किया सर, नहीं किया। सर इसका टेप तो फिर वहीं पे आके टक गया, मैंने नेहा को नहीं मारा, मैंने नेहा को नहीं मारा। मेरे भाई ये सब हमने सुन लिया है, अब वो बोल जो हम सुनना चाहते हैं। और क्या बोलूं, क्या बोलूं मैं? चलो इतना ही बता दो कि नेहा और तुम्हारी प्रेम कहानी को पर्दे में रखने की वजह क्या थी? सर मुझे डर था कि कहीं मेरी गर्लफ्रेंड को पता ना चल जाए। क्या गर्लफ्रेंड? लेकिन नेहा तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ना? हाँ ये सच है कि मैं नेहा से प्यार करता था, लेकिन मेरा दीप मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। नेहा से मिलने से पहले मैं सोनल से प्यार करता था। सोनल, नेहा की सहेली सोनल? शर्म आनी चाहिए तुम नेहा और सोनल दोनों को धोखा दे रहे थे। नहीं नहीं, मैं नेहा को धोखा नहीं दे रहा था, नेहा को इस बारे में सब कुछ पता था, सब कुछ। जानती थी तो उसने कहा नहीं तुमसे कि सोनल से दोस्ती तोड़ दो? कहा था, कई बार कहा था, पर सोनल थोड़े गर्म मिजाज की है और मुझे डर था कि सोनल को अगर पता चल गया कि नेहा से मैं प्यार करता हूं तो वो नेहा को कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। सर कहीं सोनल ने नेहा को तो नहीं मार दिया? हो सकता है, या फिर सोनल और प्रतीक दोनों मिले हुए हों। सोनल से मिलना पड़ेगा।
तक नेहा की मौत से पर्दा हटा भी नहीं था जब ये सोनल की मौत हो गई। सर मुझे तो लगता है नेहा के साथ साथ सोनल ने भी बाथरूम में 3 बार आशना का नाम लिया होगा। सोनल की लाश को सबसे पहले किसने देखा? मैंने देखा सर, जब मैं सफाई करने आई तो देखा कि सोनल की और इसकी चीख सुन के हम सब भाग कर आगे। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो रस्सी को बीच से काटकर सोनल को नीचे उतार दिया, पर सर तब तक वो मर चुकी थी। राजा जरा यहाँ आओ, ये देखो इसके सर पे ये चोट का निशान। सुनी ने पहले सोनल के सर पे वार करके उसको बेहोश किया, उसके बाद फांसी पे लटका दिया। डॉक्टर तारिका सर लाश को पलटी कीजिए। निखिल सर बाहर से ऐसी रस्सी लाना। रस्सी? अच्छा हाल फिलहाल सोनल को कोई चोट वगैरह लगी थी? सर ऐसी तो कोई चोट नहीं लगी थी उसे। रात में कितने बजे तक आप लोग साथ थे? सर हम लोग रात को 3 बजे तक पढ़ाई कर रहे थे, उसके बाद हम लोग सोने चले गए, पर सोनल तब भी पढ़ाई ही कर रही थी और फिर पता नहीं। अच्छा क्या सोनल किसी बात को लेकर परेशान रहती थी? नहीं सर ऐसी कोई भी बात नहीं थी। सर रस्सी आप जरा इस फंदे को पहन। घबराइए मत, कुछ होगा नहीं यार। फ्रेडी अगर कोई लड़की अपने आप को फांसी लगाएगी तो फिर बिल्कुल इसी तरह अपने बालों को बाहर करेगी, मतलब फंदे के बाहर। और अगर सोनल की लाश को देखो तो बाल फंदे के अंदर ही, इसका मतलब उसने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसका खून हुआ है। खून? हाँ खून। और ये सारा काम किसी ऐसे आदमी का है जो आशना की आत्मा वाली कहानी का फायदा उठाते हुए एक एक करके खून किया जा रहा है। लेकिन राजा एक लाश को इस तरह से फांसी पर लटकाना इतना आसान काम नहीं है, काफी ताकत लगी होगी। सही कहा आपने डॉक्टर तारिका, हो सकता है 2-3 लड़कियों ने मिलके ये काम किया या फिर किसी लड़के ने। लड़का? लेकिन गर्ल्स हॉस्टल में लड़का कैसे आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता मैडम, जब आपके हॉस्टल में 2-2 खून हो सकते तो एक लड़के का आपके हॉस्टल में आना ये मामूली बात है। फ्रेडी जिसने भी नेहा और सोनल का खून किया है उसने नफरत या बदले की भावना से खून किया। एक काम करते हैं, रिया और पूजा को ब्यूरो बुलाकर पूछताछ करते हैं, कुछ ना कुछ जरूर पता चलेगा। सोनल और नेहा दोनों रूममेट्स थे और दोनों का खून हो गया है, दोनों की मौत में कोई ना कोई संबंध तो है। क्या लगता है आप लोगों को कौन खून कर सकता है उनका? अभिजीत सोनल की बॉडी पे से मुझे ये बिंदी मिली है, शायद आपके किसी काम आ जाए। थैंक यू तारिका जी। ये सोनल की बिंदी है? नहीं सर, सोनल तो कभी बिंदी लगाती ही नहीं थी। सर हो सकता है ये बिंदी सोनल के खूनी की हो। हाँ सर, शायद सोनल को फांसी पर लटकाते वक्त खूनी की बिंदी सोनल के शरीर पर चिपक गई हो गलती से। तो मतलब खूनी कोई लड़की है? सर एक मिनट, सर ये बिंदी कोई जानी पहचानी है, क्या मैं ही देख सकती हूँ? हाँ देखिए। ये बिंदी तो टीना की है। टीना? हाँ सर। कौन है ये टीना? सर हिस्ट्री ऑनर्स की स्टूडेंट है, हमारे हॉस्टल में ही रहती है,
पूरे हॉस्टल में सिर्फ सिर्फ वही ऐसी बिंदी लगाती है। लेकिन ये टीना सोनल को क्यों मारेगी? सर, कुछ दिनों पहले हम लोगों ने पूरे कॉलेज के सामने टीना के साथ एक मजाक किया था। सर, हम लोगों को पता नहीं था वो इस मजाक का इतना बुरा मान जाएगी। अच्छा, आप लोग कुछ ज्यादा ही मजाक करते हैं। हेलो, जी हाँ बोल रहा हूँ। हाँ जी, कहिए। ओके ओके ओके, या थैंक यू वेरी मच। आपके वार्डन का फोन था, कॉलेज बंद कर दिया गया है, आप लोगों को आपके घर जाना पड़ेगा। बाय द वे, अगर कुछ बात याद आए जो इस केस से ताल्लुक रखती है और आपको लगे कि बताने लायक, तो फौरन हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। टीना सर, ऐसे कैसे कह सकते हैं आप कि ये बिंदी मेरी है? ऐसी तो ढेरों मार्केट में मिलती हैं। ये बिंदी तुम्हारी है टीना, क्योंकि इस तरह की बिंदी सिर्फ तुम ही पहनती हो कॉलेज में। अभी बताओ कि सोनल को क्यों मारा था? सोनल का खून? नहीं सर, मैंने कोई खून नहीं किया। देखो, हम जानते हैं तुम्हारा सोनल के साथ झगड़ा था, क्योंकि वो तुम्हारी रैगिंग करती थी। हाँ सर, लेकिन ये तो हर एक कॉलेज में चलता है, और इसका मतलब ये नहीं है सर कि मैं किसी का खून कर दूँ। खून नहीं किया, खून नहीं किया। हर खूनी कहता है कि मैंने खून नहीं किया, लेकिन तुम्हारी बिंदी झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि वो सोनल के कपड़ों में चिपकी हुई थी। हाँ सर, याद आया। सर, एक रात मैं और सोनल पार्टी से लौट रहे थे, तो सर मेरे साथ ही वो रुकी थी। हो सकता है कि उसी टाइम उसके कपड़ों में मेरी बिंदी चिपक गई हो। अच्छा, तो जिस वक्त सोनल का खून हुआ उस वक्त तुम कहाँ? सर, मैं तो मीरा नर्सिंग होम में थी। मीरा नर्सिंग होम? सर, मुझे फूड पॉइजनिंग हुआ था। आप चाहे तो वहाँ के डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं। हेलो, मीरा नर्सिंग होम जी, 13 तारीख की रात को टीना नाम की कोई पेशेंट एडमिट थी आपके यहाँ पे फूड पॉइजनिंग के केस में। थी? अच्छा ठीक। सर, टीना सच कह रही है। एक बात तो साफ हो गई पंकज, ये खून टीना ने नहीं किया। सर, ये खूनी अपने आप को बहुत होशियार समझता है, मगर ये नहीं जानता कि सीआईडी के सामने उसकी होशियारी नहीं चलेगी। हेलो, क्या? अच्छा जी, सर, पूजा की मॉम का फोन था, वो कह रही थी कि उनके बहुत मना करने के बावजूद भी वो ब्राइट मून क्लब चली गई है। पंकज, कहीं ऐसा तो नहीं कि खूनी का तीसरा शिकार पूजा हो? इसके मुंह से तो झाग निकल रही है, लगता है किसी ने जहर दिया है। कैसे हुआ ये सब? पता नहीं सर, डांस करते करते ही अचानक गिर पड़ी। सर ये देखिए, सर यहाँ पे सुई जैसा निशान है, लगता जहर सुई चुभो कर दिया गया है। पंकज, सारे दरवाजे बंद कर दो, यहां से कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए। बेटी किस प्लीज प्लीज सर, 5 मिनट में सजाएगी सर। अब कोई फायदा नहीं निकल, पूजा मर चुकी है। पूजा सर, ये सब मेरी वजह से हुआ सर, अगर मैं उसको कॉल करके ना बुलाता तो शायद ऐसा ना होता। देखो, अब ये रोना धोना बंद कर और ये बताओ कि तुम्हारे साथ और कौन कौन था। कोई नहीं सर, हम दोनों थे सर। पंकज, निखिल, एक एक आदमी की तलाशी लो, देखो पिन किसके पास मिलता है। सर, चलो सर, चलो चलो सर, चलिए चलिए चलिए। आप एक काम कीजिए, आप इनकी तलाशी लीजिए अच्छी तरह से। जी सर। प्लीज ठीक है, अब लाइन में खड़ो जी। अब आप बाकी ये जितनी भी लड़कियां हैं यहां उनकी तलाशी लेंगे।
वहां पे सुई किसी के पास नहीं है और इनके पास अभी कुछ नहीं मिला है। इसका मतलब खूनी जहरीली सुई चुभाने के बाद यहां से निकल गया। समझ में नहीं आ रहा हमें खुद पे गुस्सा करना चाहिए या शर्म? नेहा और सोनल के बाद अब पूजा भी नहीं बचा सके उसे हम लोग। लेकिन सर वो घर से बाहर ही क्यों गए? उसकी लापरवाही को दोष देके हम अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते विनीत। सर एक बहुत ही चौंकाने वाली बात पता चली। क्या पता चला? सर 15 साल पहले RCS कॉलेज में जिस आशना ने आत्महत्या की थी उसकी बेस्ट फ्रेंड कामिनी थी। ये देखिए सर। हॉस्टल की वार्डन कामिनी? कामिनी ने हमसे बात क्यों छिपाई? उसमें साफ साफ लिखा है आशना की आत्महत्या की वजह रैगिंग थी। स्टूडेंट के खराब बर्ताव की वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। सर और ये चारों लड़कियां भी तो बाकी स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करती थी। टीना ने बताया था। कहीं इन सब खून के पीछे कामिनी का हाथ तो नहीं? कामिनी ने सोचा होगा कि क्यों ना अपनी सहेली की मौत का बदला लिया जाए। आशना की मौत का बदला? आशना की मौत की वजह रैगिंग थी और ये चारों लड़कियां ये भी कुछ इसी तरीके की हरकतें कर रही थी। सर रिया के घर वाले अमेरिका गए हुए और रिया इस वार्डन कामिनी के घर पर रुकी हुई है। तब रिया की जान को खतरा है? फोन लगाओ उसे। मुझे मत मारो। Ha ha ha!
मुझे मत मारो प्लीज, बचाओ प्लीज, मुझे मत मारो। नेहा, तुम जिंदा हो? अपनी मौत का नाटक करके औरों को मौत की नींद सुला रही थी? मैंने ही मारा है, मैंने ही खून किया है उन दोनों को। सोनल और पूजा को तुमने मारा ये तो हमें पता चल चुका है, पर वो कौन थी जिसकी राख हमें जंगल में से मिली? मैंने जंगल में कुछ लकड़ियां जलाई, बायोलॉजी डिपार्टमेंट से चुराए हुए कंकाल की कुछ उंगलियां और अपने कान की बाली उस आग में डाल दी और बगल में ही अपना थोड़ा सा खून डाल दिया। बस इतना काफी था आप लोगों को यकीन दिलाने के लिए कि मैं मर चुकी हूं। इतनी बड़ी साजिश? साजिश तो मेरे साथ हुई थी और उसी साजिश का बदला लेने के लिए मैंने ये सब खेल रचा। कैसी साजिश? पूजा, सोनल और रिया मुझसे जलती थी क्योंकि मैं उन तीनों से पढ़ाई में बहुत तेज थी। जॉब प्लेसमेंट के इंटरव्यू से एक रात पहले उन लोगों ने मेरे खाने में ड्रग्स मिला दी और इस वजह से मैं अपना इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाई। क्या, इतनी सी बात के लिए तुमने सबको मारना शुरू कर दिया? क्या आप लोगों के लिए छोटी सी बात होगी, मेरे लिए छोटी बात नहीं थी। मैं उन तीनों की तरह अमीर परिवार से नहीं थी, स्टूडेंट लोन लिया था मैंने इस कॉलेज में पढ़ने के लिए। पढ़ाई के साथ साथ में मैं पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। आप समझ नहीं सकते कि वो इंटरव्यू मेरे लिए क्या मायने रखता था। और उस रात जब उन लोगों ने मेरे साथ आत्मा का खेल खेला, तभी मैंने तय कर लिया कि एक एक करके इन तीनों को मार डालूंगी। तुम्हारे साथ जो हुआ बुरा हुआ था, पर खून करके क्या मिला तुम्हें? अपना भविष्य बर्बाद कर लिया तुमने। तुम्हें तो शायद सिर्फ अब हंसी ही होगी।